मध्य प्रदेश में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, वहीं भोपाल में भारी बारिश के चलते शहर में जगह जगह पानी भर गया है। शहर के रोशनपुरा चौराहे, सिंधी कॉलोनी में पानी भर चुका है। इतना ही नहीं, वीआईपी मूवमेंट वाले इलाके में भी ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम ठीक नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि बारिश से जो है नगर निगम की पोल खुल चुकी है और जगह जगह पानी भर चुका है। शहर के रोशनपुरा चौराहे, सिंधी कॉलोनी में भी बारिश का पानी घुस चुका है। इतना ही नहीं, वीआईपी मूवमेंट वाले इलाके में भी ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम ठीक नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी भोपाल से इस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो है लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी जगह जगह 3 से 4 फीट भर चुका है। तो बारिश आई और परेशानियां लाई, पानी पानी हुआ राजधानी भोपाल, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। राजधानी भोपाल में जुलाई के कोटे की बारिश शुरू हो गई है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर नगर निगम प्रशासन की पूरी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। मेरे पीछे आप ये नज़ारा देखिए, यहाँ पर ये जो रोशनपुरा इलाका है, बाणगंगा इलाका है, ये व्यस्ततम इलाका है, वीआईपी इलाका है। पूर्व सीएम और जो वर्तमान सीएम है, दोनों के घर यहाँ पास में ही है, लेकिन ये इलाका देखिए पूरा यहाँ पर जलभराव हो चुका है। और जलभराव भी इतना कि यहाँ पर गाड़ियों का निकलना जो है वो मुश्किल हो गया है। आगे आप दुकान देखेंगे, जो फुटपाथ पर दुकानें लगी हुई हैं वहाँ पर भी पानी भरा गया है। ड्रेनेज का यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। अगर हम बात करें, ड्रेनेज सिस्टम है लेकिन वहाँ पर से पानी निकलने की बजाय, जाने की बजाय वहाँ से पानी निकलता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये निगम की लापरवाही को सामने लेकर आ रहा है, क्योंकि ये देखिए जो पूरा जलभराव है, लोग कितने धीमे धीमे से यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डर है। वो पहले रुक के सोच रहे हैं कि यहाँ पर वो गाड़ी डालें या ना डालें, क्योंकि यहाँ पर ना तो सीवेज सिस्टम ढंग का है, ना यहाँ पर हम बात करें ड्रेनेज सिस्टम ढंग का है, सड़कें भी यहाँ पर नहीं बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, यहाँ पर धूप तो आ चुकी है, लेकिन राजधानी भोपाल में जो बारिश हुई है जुलाई कोटे की, उसने यहाँ पर सबसे ज़्यादा तकलीफ किसी को दी है तो वो आम जनता है। लगातार जो सरकार है और जो विपक्ष की पार्टियाँ हैं वो लगातार रोड शो में लगी हुई है, लेकिन अगर आप नज़र डालेंगे राजधानी भोपाल के हाल की, तो यहाँ पर हाल बेहाल है, क्योंकि सभी जगह जलभराव हो चुका है, पानी भर चुका है और आम जनता इस चीज़ से सबसे ज़्यादा गुजर रही है। कैमरामैन लवनीत सैनी के साथ अमृताशी जोशी, न्यूज़ 24 भोपाल।